हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और क्या हालचाल है आप सबका? आज मेरा फास्टिंग है मंगलवार का। देखिए कहाँ तक आज ब्लॉग बनता है। और अभी मैं चाय पी रही हूँ, पूजा कर चुकी हूँ मैं। हो सकेगा तो कहीं मंदिर शाम को मैं जाऊँ, वहाँ का मैं दिखाऊँगी। अभी मैं किशमिश खा रही हूँ, काजू खा चुकी हूँ और चाय, मेरा चाय। तो देखिए शाम को निकलना होता है तो आपको मैं दिखाऊंगी। और मेरा फास्टिंग है तो कुछ ना कुछ खाते रहूंगी। देखिए मैं अंगूर खा रही हूँ और विपुल जी भी जग चुके हैं और नाश्ता करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरा फास्टिंग, मैंने अपना फेवरेट सब्जी बनाया है। ऐसा कौन करता है, लेकिन एक माँ ही कर सकती है। और देखिए मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए बेसन का पापड़ा वाला सब्जी, इसकी दादी को बहुत पसंद था भाई। इसकी दादी से ही मैंने सीखा है बनाना। और ये करेला का भुजिया रोटी, करेला में इसको जानबूझ के खिला रही हूँ। ये थोड़ा तीखा बोले मुँह तीखा हो जाए। अब रायता तो बनाई हूँ, पता नहीं खट्टा लग रहा है तो खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन खाएगा, इसका फेवरेट है। और सारा करेला खा जाना, फिर हम दिखाएंगे। और दिन भर फल खाने के बाद आखिर शाम का समय आ गया। मैंने पूजा वूजा कर लिया है, हनुमान मंदिर नहीं जा पाई किसी वजह से, तो और मैंने घर पे ही कुछ बनाया है, आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने आटा का हलवा बनाया है, ये मैं अभी खाऊंगी और इसी से ताकत लाऊंगी। एक तो काफ़ी गर्मी है, ऊपर से फास्टिंग काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। देखिए क्या होता है। हलवा खाने के बाद जान में जान आया है, थोड़ा आवाज़ भी निकल नहीं रहा है। एक दिन में मेरा हालत ख़राब हो गया है। हलवा खाई हूँ तब तो थोड़ा ठीक लग रहा है। आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस, और हम बिहार से हैं, हमें गर्व होता है। सबसे बड़ी बात है कि हम बिहारी हैं तो और भी गर्व होता है। और आप सबको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग, अच्छा लगता है कि भाई लोग कहता है कि बिहारी लिट्टी चोखा सतुआ, अरे हमें बहुत खुशी होती है। अरे जो कहते हैं हमें बिहारी बिहारी, वो आके खा के तो देखें इसमें कितनी ताकत होता है, और कितना अपनापन है। और जो सत्तू कहते हैं, जो बाहर हॉर्लिक्स पीते हैं, हमको लगता है कि हमारा सत्तू ही हॉर्लिक्स होता है और हमें उसी से ताकत मिलती है। रात का डिनर क्या बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एकदम बिल्कुल भी इच्छा नहीं है रात को खाना बनाने का। आज विपुल ही खाना बनाएगा। जब वो सुना है कि खाना बनाना है तो मिट्टू को भेज दिया है मंचूरियन लाने के लिए, और कह रहा है कि रोटी मैं बना दूंगा। देखिए क्या होता है, मंचूरियन मिलता है कि नहीं मिलता है, सस्पेंस बना हुआ है। और विपुल इधर प्रेशर उस पर बढ़ा जा रहा है, क्योंकि मंचूरियन आ जाए तो सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा, अगर मंचूरियन नहीं आए तो सब्जी भी बनाना पड़ेगा और रोटी भी बनाना पड़ेगा। भाई बहुत टेंशन है। मेरा बिल्कुल भी आज इच्छा नहीं है भाई बनाने का, एकदम अंदर से लग रहा है। हो सकता है कि फास्टिंग करते करते आदत हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। गर्मी भी है काफ़ी, आज थोड़ा सा हमको वीकनेस जैसा लग रहा है। खैर दिन का सारा खाना तो बना ही हूँ, लेकिन रात को थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। तो कम से कम एक दिन तो ये लोग खाना बना के खाए। और विपुल काफ़ी खुश है, मिट्टू का फ़ोन आ गया, मंचूरियन नहीं मिला लेकिन पनीर चिल्ली मिल गया है, और विपुल बहुत बहुत खुश है। और रोटी बनाएगा, मैं दिखाऊंगी आपको कि रोटी कैसे बनता है, गोल बनता है या भ,
भारत का नक्शा बनता है। नहीं, अच्छा रोटी बनाता है। मैं जब बीमार थी तो रोटी बनाता था, खिलाया है मेरे को, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी इस पर गुस्सा आता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन क्या करे। और ये देखिए भाई साहब, क्या रोटी बना रहा है भाई, पूरा तावा के बराबर का नहीं, ना बड़ा बड़ा नहीं बना, छोटा छोटा बना है, छोटा छोटा बना रहा है। देखिए इसका रोटी बनता है। बनाने को तो मैं भी बना दूं, दुखे सुख, लेकिन इतना क्या तकलीफ करना, बच्चों को कभी कभी देना चाहिए कष्ट। तो इसका रोटी खाना पीना हो रहा है, मैं सिर्फ देखूंगी। आज मेरे नसीब में नहीं है बिल्कुल का रोटी, बिल्कुल कल मेरे को बना खिला देना, ठीक है। तो हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले। और एक नए ब्लॉग के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।